सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे DSA का एक इम्प्लीमेंटेशन, और पर्टिकुलर वो DSA नहीं है, मतलब DSA का जो कॉन्सेप्ट है स्टैक क्यू और वो सब नहीं है। इसमें स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम, लेकिन ये पूरी DSA की लिस्ट है। तो हम उसमें से सबसे पहला प्रोग्राम करेंगे जो है 1A। तो उसमें लिखा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेंटेन इट्स एम्प्लॉय डिटेल्स, देयर इज नीड ऑफ एक्सेसिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली, टेकिंग दिस इन्फॉर्मेशन इनटू कंसीडरेशन यूज एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ एडिंग। ठीक है, एक एडिंग का फंक्शन करना है, फिर रिमूविंग और लिस्टिंग ऑल। तो एडिंग के बाद रिमूविंग का और लिस्टिंग को यानी सबको शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे। तो मैं खोल देता हूँ अपना VS कोड, DSA का फोल्डर बना लिया, और इसमें मैं क्या लिखूँगा, question1a.c। ठीक है, और मैं अपना सी बॉयलर प्लेट डाल दूंगा। इसके बाद हम मेन फंक्शन में ये लिखेंगे, मेन फंक्शन में हम इनपुट लेंगे सब एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, और हम उनको एक मेनू देंगे। मेनू में क्या होगा कि ऐड करना है तो एक 1 प्रेस करो, फिर रिमूव करना है तो 2 प्रेस करो, ऐसा मेनू देंगे। ठीक है, और मैं एम्प्लॉय किस में लूँगा, एक स्ट्रक्चर में लूँगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में मैं एक एम्प्लॉय ID रखूँगा और एम्प्लॉय का नाम भी रखूँगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम रखूँगा, और दूसरा कुछ रखना है तो भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं इधर बनाऊँगा एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय करके, और इसमें क्या रखूँगा, एक तो इंट ID रखूँगा और केयर नेम। ठीक है, इतना कर दूँगा मैं। ओके, और नेम में मैं कितने वर्ड्स रखूँ, तो 30 रख देता। ठीक है, 30 से ज़्यादा किसी का नेम नहीं होगा। ठीक है, और इसके मैं कितने बनाऊँगा, मैं बता दूँगा। चलो, हम एश्यूम करते हैं कि ये जो है एम्प्लॉयज़ वो 100 से कम है। ठीक है, तो मैं इधर 100 बना देता हूँ, E of 100। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो 100 के 1000 भी कर सकते हो। ठीक है, 10,000 भी कर सकते हो। और अभी मैं मेन में क्या लिखूँगा, मेन में मैं लिखूँगा कि मुझे सब एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंट n बनाऊँगा, किसके लिए, कि आपके पास एम्प्लॉय कितने। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 5 एम्प्लॉय है तो वो 5 के लिए इनपुट लेगा, तो उसके लिए मैंने n बनाया। printf में लिखेंगे enter number of employee, scanf किया, n % d आएगा address of n, और एक for loop चलाऊंगा n तक i++, और इसमें मैं क्या स्कैन करूँगा, एक तो मैं स्कैन करूँगा, एक ID स्कैन करूँगा। ठीक है, तो n% t एड्रेस ऑफ e of i.id का, और एक मैं स्कैन करूँगा नेम जो कि है एक स्ट्रिंग, तो n% s और e of i.  ओके, scanf में ये कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक ही नाम लेगा। पता है, जैसे कि है रोहन दास, तो ये वो सिर्फ रोहन स्कैन करेगा। ठीक है, दास नहीं करेगा पीछे वाला। तो जो सरनेम है वो भी लेना है, तो हम गेटेस का यूज़ करेंगे। तो गेटेस और EFI.name, तो ये हो गया हमारा। और गेटेस, जो गेटेस होता है वो एक, अगर हम इसके बाद एक एंटर देते हैं, ठीक है, ये एंटर, तो वो भी ये गेटेस ले लेगा और दूसरे को इनपुट नहीं लेगा। तो उसके लिए हम बफर निकाल देंगे एंटर का। तो बफर निकालने के लिए flush standard in, और ये इसको यूज़ करने के लिए हमें एक हेडर फाइल चाहिए जो है हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो stdlib। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अब हम एक मेनू बनाएंगे, तो printf operations बनाऊंगा, operations। ठीक है, हाँ, और उसके बाद मैं
लिखूंगा कि वन किसके लिए है, तो वन है मेरे पास एड एम्प्लॉय के लिए, ओके। और ऐसे ही मैं चार और बना लेता हूँ, चार क्यों बनाए मैं कहता हूँ। देखो सेकंड किसके लिए, तो सेकंड है हमारा किसके लिए रखे, सेकंड है एक सर्च करने के लिए, तो सर्च इन एम्प्लॉई। और फिर थर्ड किसके लिए, तो थर्ड है हमारा शो करने के लिए, तो शो ऑल एम्प्लॉई। और फोर्थ है, फोर्थ किसके लिए है, तो फोर्थ है हमारे पास डिलीट करने के लिए, तो डिलीट एन एम्प्लॉई डिटेल लिखता हूँ, हाँ। और फिफ्थ के लिए, फिफ्थ हमारे पास है एक्सिट के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को एक्सिट करना है, तो एक्सिट प्रोग्राम। तो इसका हम इनपुट लेंगे स्कैन एफ की मदद से, स्कैन एफ इनपुट डी और एड्रेस ऑफ इनपुट नामक वेरिएबल में, और इनपुट नामक वेरिएबल बनाया ही नहीं है, तो हम इधर इनपुट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो स्विच में देखो वी एस कोड ने अपने आप दे दिया ये स्विच का, ठीक है। और इसमें एक्सप्रेशन में क्या आएगा, इनपुट आएगा कि जो इनपुट डाला है वो हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और केस में क्या होगा, केस वन में केस वन है एड एम्प्लॉय, तो मैं इधर एड लिखूंगा और ई पास कर दूंगा, ठीक है। ई में हमने जो बनाया था ये ई है ना, ई वो। और एड एम्प्लॉय के मैंने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो ये हमें फंक्शन भी चाहिए ना, तो मैं इधर फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। वो कैसे डिक्लेयर करूंगा, देखो एड एम्प्लॉय, तो वो करूंगा void add। और इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें मुझे मिलेगा struct employee का e, ठीक है। तो struct employee यानी मुझे एक स्ट्रक्चर मिलेगा employee का, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, add employee हो गया, फिर क्या होगा, show all employees, उसके लिए void show कर दूँगा। फिर क्या होगा, और डिलीट होगा, डिलीट एंड एम्प्लॉय डिटेल, तो उसके लिए मैं एक बनाऊंगा डिलीट, और एक बनाऊंगा सर्च ऑल के लिए, सर्च ऑल नहीं, सर्च इन यू वन, सर्च एम्प्लॉय, उसके लिए मैं बनाऊंगा एक सर्च, ठीक है। तो केस वन में हमारे पास आ गया एड, केस टू में हमारे पास होगा सर्च, केस टू सर्च, सर्च में देंगे ई ब्रेक, केस थ्री में देंगे, केस थ्री क्या था हमारा शो, तो हम देंगे शो में ई ब्रेक, केस फोर में क्या देंगे, केस फोर में होगा डिलीट, डिलीट में देंगे ई, फिर करेंगे ब्रेक, और ब्रेक किया डिफॉल्ट में क्या रखेंगे, डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ब्रेक डिफॉल्ट में मतलब कोई काम का नहीं है, वो लास्ट में ही है, इसलिए डिफॉल्ट में हम कर देंगे एक्सिट वाला। तो डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में होगा एक्सिट ज़ीरो, और एक्सिट ज़ीरो के लिए हमें एक हेडर फाइल चाहिए, जो कि है क्या थी फाइल, बताओ, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो हो गई, हाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो थी एक्सिट वाली, ठीक है। तो देखो मैं करके तो सेव करूँगा, तो ये एरर भी नहीं देगा एक्सिट जीरो में, ये हो गया। अब मैं इधर एक स्टार्ट बना देता हूँ, और अगर ये स्विच जो स्विच स्टेटमेंट है वो हो जाए, उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ गो टू स्टार्ट, मतलब आप इसको को बहुत बार चल सकते हो, स्विच स्टेटमेंट को बहुत बार आप ये चूज़ कर सकते हो ऑपरेशंस, ठीक है।
ये हो गया, मुझे ये सही में लगाना पड़ेगा इधर। तो ये हो गया, ये था हमारा मेन का कोड। और अब हमें ये चार लिखना है, ये चार हमने फंक्शन बनाए वो लिखना है, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो n है ना, ये n इस सब में यूज़ होगा, ठीक है, ये सब में, क्योंकि ऐड में n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नया ऐड हुआ। डिलीट में n माइनस वन हो जाएगा, तो मुझे n सब में यूज़ करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, int n को ग्लोबल डिफाइन कर दूंगा। तो मैं इधर int n ऐसे ग्लोबल डिफाइन कर दूंगा ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्यूशन, और ये हम अब सब में यूज़ कर सकते हैं n। सबसे पहले मैं इन चार में से क्या देता हूँ, सबसे पहले मैं सर्च का बना देता हूँ, इस सॉरी सर्च नहीं, मैं शो का बनाऊँ सबसे पहले, क्योंकि शो बहुत ईजी है। तो मैंने इसको कॉपी किया, लास्ट में शो में क्या होगा, शो में फॉर लूप चलूँगा मैं सिंपल, आई ज़ीरो आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, और उसमें सिंपली प्रिंट एफ कर दूँगा कि आई डी है, ठीक है, आई डी है वो है एन परसेंट टी, और जो नेम है वो है एन परसेंट एस न्यू लाइन। अब आई डी है क्या होगा, ई एफ आई डॉट आई डी, और ई एफ आई डॉट नेम। ये हो गया हमारा शो फंक्शन, सिंपल था इतना, यहीं तक चल जाएगा लूप, ठीक है। तो ये हो गया शो का। अब हम करेंगे क्या, ऐड का कर देंगे, ठीक है। तो ऐड का हम कैसे करेंगे, ये अब ऐड करना है तो हमें एक इनपुट चाहिए होगा, ठीक है, नेम और आईडी का। तो आप और हमने एन जब थ्री लिया है, ठीक है, थ्री इनपुट लिए है, तो थ्री हो जाएगा ज़ीरो वन टू में, और एन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा थ्री, है ना, नहीं थ्री नहीं होगा, एन थ्री होगा, ठीक है। तो एन हो जाएगा थ्री, और एन थ्री होगा तो हम थ्री में उसकी वैल्यू सब पढ़ सकते हैं, ठीक है, दूसरी वैल्यू, जैसे कि ज़ीरो वन टू हुआ, मुझे एक ऐड करना है तो मैं थ्री को ऐड करूँगा ना, ज़ीरो वन टू के, तो मैं थ्री पर ही ऐड करूँगा। तो ई एफ एन को मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूँगा, ऐड में प्रिंट एंटर न्यू एम्प्लॉय डिटेल्स, और ओके मुझे मेन में है ना, प्रिंट एफ में तो ये लिखना चाहिए था, एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और इस तरह ये आएगा तो अच्छा लगेगा यूजर से, एंटर आई डी एंड नेम ऑफ ईच। तो ये क्या ओके आना चाहिए, अब ये सही है। और अब मैं स्कैन एफ क्या करूँगा, एन परसेंट डी करूँगा, वो किसके लिए होगा, ई एफ आई डॉट आई डी, ई एफ आई नहीं होगा, ई एफ एन होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, अगर एन थ्री है, थ्री इनपुट, तो ज़ीरो वन टू में छोड़ोगे को थ्री, और थ्री तो खाली है, तो ई थ्री में हम भर सकते हैं। तो ये हो गया, और इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा नेम के लिए, नेम ले लिया, और नेम के लिए एन परसेंट एस, या फिर गेट एस कर सकते हो आप, ई एफ आई डॉट नेम, और उससे पहले प्लस स्टैंडर्ड, ठीक है, बफर को निकालने के लिए, और ई एफ आई नहीं, ई एफ एन होगा। तो ये हो गया, और हमारे पास एक जो एम्प्लॉय है वो बढ़ गया है, तो मैं एन प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऐड का फंक्शन, शो हो गया, ऐड हो गया। अब हम करेंगे डिलीट वाला फंक्शन, ठीक है। तो डिलीट में कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। डिलीट के लिए सबसे पहले हमें एक आईडी चाहिए, आईडी लेंगे, आईडी को चेक करेंगे, अगर है तो डिलीट कर देंगे, नहीं है तो डिस्प्ले करेंगे कि आईडी का एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिंट टेम्प बनाएंगे, फिर प्रिंट एफ करेंगे, एंटर आईडी टू बी डिलीटेड, ठीक है, ओके। आई डी टू बी डिलीट,
स्टेट, फिर हम करेंगे स्कैनिंग एंड पर्सनलिटी एड्रेस ऑफ टैम, ये हो गया, और इधर होगा कॉमा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे आई जीरो आई लेस देन एन तक, इफ टैम्प इक्वल्स टू हो जाता है ई एफ आई डॉट आई डी से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो टैम्प में दे देंगे आई, टैम्प को दे दिया आई, ठीक है। और मैं एक दूसरा एक बनाऊंगा इधर काउंट जीरो करके, और अगर ये टैम्प आई हो गया तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और अब इधर क्या होगा कि अगर काउंट इज इक्वल टू वन तो हमें मिल गया है, ठीक है, काउंट वन हो गया जीरो से तो हमें ये आईडी मिल गया और हम उसको डिलीट कर सकते हैं। बट अगर नहीं मिला तो हम प्रिंट एफ करेंगे एम्प्लॉई डोंट एक्सिस्ट एक्सिस्ट, हो गया ये। और अगर काउंट वन है तो हमको जो है एम्प्लॉई वो निकाल देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम फॉर इंट जी इक्वल्स टू टेम्प देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो आईडी था उसका इंडेक्स, उसको इंडेक्स को हमने टेम्प में स्टोर कर दिया, तो उसके इंडेक्स दे देंगे इधर। और इधर क्या देंगे, जी लेस देन एन जी प्लस प्लस, और उसको निकालना है तो क्या करेंगे कि जो पीछे वाला है उसको उसकी जगह दे देंगे, फिर उसके पीछे रखकर उसको उसकी जगह, जैसे कि वन टू थ्री में से टू को निकालना है तो थ्री को टू में बिठा देंगे ना, ठीक है। तो थ्री को टू में बिठाने के लिए क्या करेंगे, ई ऑफ जे इज इक्वल टू ई ऑफ जे प्लस वन, सिंपल इतना था हमारा डिलीट फंक्शन। तो ई ऑफ जे सब लोग इधर आ जाएंगे, जैसे कि वन टू थ्री फोर है, टू को निकालना है तो थ्री टू की जगह जाएगा और फोर थ्री की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा उसका लॉजिक, और ये डिलीट वाला हो गया। और अब हम क्या करना है, अभी हमें सर्च करना है, सर्च भी थोड़ा डिलीट जैसा ही है, ठीक है, तो डिलीट जैसा ही है क्योंकि डिलीट में हमको इतना तो चाहिए ही, सर्च में भी कि आईडी कौन सी सर्च करनी है, इसमें ये काउंट भी चाहिए। चलो तो ये हो गया और स्कैनफ हो गया, अभी इसको सर्च भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है, जब तक मिले वैसे। देखा जाए तो सर्च और डिलीट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इधर सिर्फ प्रिंट एफ हो जाएगा कि हमें मिल गया है, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमें नहीं मिला है, पहले से ही है, तो सिर्फ इधर फ़र्क आएगा कि हमें वो मिल गया है, ठीक है ना। इधर ही लिख सकते हैं, हाँ, अगर इधर हो गया तो हम इधर ही लिख सकते हैं कि प्रिंट एम्प्लॉई फाउंड, और अगर नहीं हुआ तो मैं इधर काउंट प्लस प्लस करूँगा, और अगर नहीं हुआ मतलब कि काउंट नॉट इक्वल्स टू वन है, ठीक है, तो उसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, एम्प्लॉय डोंट एक्सिस्ट काउंट। तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन प्रॉब्लम का, और अब इसको रन करके देख लेते, चलो तो रन करके देखेंगे तो ही पता चलेगा अच्छे से। इंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई में हम थ्री डालेंगे, तो फर्स्ट की आईडी वन नेम ए, सेकंड की आईडी टू नेम बी, थर्ड की आईडी थ्री नेम सी। तो ये हमारे पास ऑपरेशन, अभी अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो शो ऑल, तो देखो ये हो गया वन का ए, टू का बी, थ्री का सी। अभी हम ऐड करेंगे, ऐड एम्प्लॉई, तो उसकी आईडी फोर नेम डी, ओके देखो इधर नेम नहीं ले रहा है, एडमिशन लिखना चाहिए था आईडी के लिए, ठीक है। तो एन परसेंट ऑफ ई एम डॉट आईडी, और फिर ये हमें नेम मिलेगा। तो अब हम अपना फंक्शन रन करके देख लेते हैं, तो थ्री डाला, वन में होगा ए, टू में होगा बी, थ्री में होगा सी। अगर हम शो कर दे शो ऑल, तो ये देखो आईडी वन टू थ्री आ गया। अगर ऐड कर दे फोर को डी, तो ये हो गया। और अभी फिर से शो करें तो हमें चार मिलेगा, ठीक है, देखो ये चार आ गया, ठीक है। और अब हम डिलीट करेंगे, तो फोर, और डिलीट क्या करना है, कौन सी दूसरी आईडी, तो डिलीट हो गई।
और अब फिर से शो करेंगे तो देखो दूसरी आईडी तो गई, ठीक है, ये दूसरी आईडी गई, और हाँ देखो ये चौथा बार है ना, तो हमें डिलीट में एन माइनस माइनस भी करना पड़ेगा इधर, एन माइनस माइनस, ये हो गया हमारा फंक्शन रायटी, तो 3 1 2 3 सी एड किया, 4 डी शो किया, तो ये शो आ गया, फिर डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट किया 2 को, फिर शो किया तो 2 डिलीट हो गया, 1 3 4 रहा। अभी करना है कि सर्च करना है, तो 2 सर्च करने पर 3 सर्च करते हैं, तो देखो एम्प्लॉय फाउंड आ गया, और अगर सर्च में कोई दूसरा डालते 5 तो एम्प्लॉय डोंट एक्सिस्ट, और एक्सिट करना है तो 5, ठीक है, तो ये हो गया एक्सिट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 109 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये खुद से लिखने का ट्राई कीजिए प्लीज़, और इसका लॉजिक भी आप खुद ढूंढिए तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।